ये हमारे 6-7 ग्राफ ये ड्रॉ करे हैं। ये पहला ग्राफ है एनर्जी लेवल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम्स। एन एटम्स के लिए एनर्जी लेवल है और हर एटम अपने आप में एक आइसोलेटेड एटम है। उसके बाद फिर ये दूसरा एनर्जी लेवल डायग्राम बना। ये तब बना जब एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने लगे, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आगे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगे। ये डायग्राम है एनर्जी लेवल डायग्राम, तब जब एटम्स के बीच इंटरेक्शन बढ़ गया, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ तक भी एटम्स ने मिलकर के अभी क्रिस्टल नहीं बनाया है। उसके बाद क्या हुआ, ये वो डायग्राम, वो एनर्जी लेवल, जबकि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एटम्स एक दूसरे को। और यहाँ आते आते, यहाँ पहले डायग्राम में जब सारे के सारे एटम आइसोलेटेड हैं तो आपको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिल रहे हैं। 3s के कॉरस्पॉन्डिंग और 3p के कॉरस्पॉन्डिंग आपको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिले, शार्प एंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। लेकिन जब एटम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लगे तो 3s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स 3p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में चेंज आने लगा, किसी की एनर्जी बढ़ने लगी, किसी की घटने लगी। तो हमें एक डिस्टिंक्ट डिस्क्रीट शार्प लाइन के बजाय एक लाइंस का ग्रुप मिलने लगा, झुंड मिलने लगा, बहुत सारी लाइन। क्यों? क्योंकि किसी 3s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई तो किसी 3s ऑर्बिटल वाले एनर्जी की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। किससे ज्यादा? उससे ज्यादा जब ये आइसोलेटेड स्टेट में था। इसी तरह 3p वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी घट गई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई, तो हमें एक शार्प लाइन ना मिलकर के एक ग्रुप ऑफ लाइंस मिलने लगा। जब एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन हुआ तब इनमें एनर्जी लेवल्स में और ज्यादा चेंज आ गया। अब हमें और ज्यादा दूर दूर ये लाइंस मिल रही हैं। और जब काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हुआ तो पता ये लगा कि कुछ 3s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी घटते घटते उतनी हो गई जितनी 2p इलेक्ट्रॉन्स के 3p ऑर्बिटल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स की घटते एनर्जी घटते घटते उतनी हो गई जितनी कि 3s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स की होती है। 3s ऑर्बिटल वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, 3s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ते बढ़ते उतनी हो गई जितनी 3p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स की हुआ करती है। तो इस तरह से p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहा। सरे कोई बेचना है? देखो जी, मैंने भी पहले कभी ऐसी ली हैं चलते फिरते लोगों से, वो सब खराब निकली। एक बार तो ये स्पेस दिखाती हैं कि हाँ इसका 128 GB है इसके अंदर स्पेस, उसके बाद फिर इसमें डेटा लोड करो फिर वापस करो तो फिर ये कुछ भी नहीं दिखाती। रिस्क है पूरा पूरा। नहीं, 400 रुपये कुएं में फेंकने जैसा है, 400 रुपये कुएं में फेंकने जैसा है। एक बार बहुत पहले ट्रेड फेयर गए थे बच्चे यहीं से स्कूल से, आप तो खैर 5th-6th class में होंगे उस टाइम, तो वहाँ ट्रेड फेयर से निकलने के बाद जब रात को वहाँ से निकलते हैं 7 बजे, तो वहाँ गेट पर बहुत सारे लोग बेचते रहते हैं सामान ऐसे ही। कोई दिल्ली प्रगति मैदान, तो कोई खिलौने बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, तो वहाँ इस तरह से ये चश्मे और पेन ड्राइव लिए घूमते रहते हैं। 50 रुपये की पेन ड्राइव। अब वहाँ कोई इंतज़ाम तो होता नहीं,
चेक करने का। तो बच्चों से मैंने सबसे मना करा कि यहाँ से कुछ मत खरीदना, ये सब फेक चीज़ें बिक रही हैं, मगर फिर भी बच्चे कहाँ मानते हैं। मतलब मैं आपसे ही कहने लगूँ कि मत खरीदो, अब ये 400 रुपये कह रहा, अगर ये 40 रुपये कहने लगे तो क्या होगा, तुरंत खरीदेंगे। 40 रुपये का इधर रिस्क है, मूर्खों का देश है, बनने के लिए तैयार है। 40 रुपये की तो बात है, अगर निकल गई तो बढ़िया, निकल गई तो कितना बढ़िया होगा। मैं बच्चों से कह रहा कि इसमें से एक भी तुम्हारी निकलेगी नहीं, एक भी इसमें से चलेगी नहीं, मत लो ही ना मत लो। लेकिन कई सारों ने, 10 जो 20 जो ने ले ली सर क्या लिवा सर 50 50 रुपए की, हेलो सर ठीक है। घर आए नहीं चली, उसे खोल के देखा पत्थर के टुकड़े रखे हुए थे छोटे छोटे उसके अंदर, बस मगर सर उसका सुनना रे बाहर का कवर और उसके अंदर छोटा सा पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ उसको वेट देने के लिए 50 रुपए में। सर 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 पंडित जी की भी तो सर रेड मरकरी ना बिकी अच्छा, तो सर, वो कांटेक्ट ही ना डिस्कस हुआ करेंगे, उससे। अभी डिस्कस करेंगे उसे। तो इस तरह की चीजें जो है या तो टेस्ट करके लो, बल्कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, हाँ जी देखो ध्यान से, जब तक क्रिस्टल बना एक स्टेबल क्रिस्टल बना, तब तक नीचे वाले 4n लेवल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भर गए और ऊपर वाले 4n लेवल पूरी तरह खाली हो गए। जिस लेवल पर लास्ट के इलेक्ट्रॉन है वो हमारा वैलेंसी लेवल कहलाता है, इसलिए इसका नाम दिया वैलेंसी बैंड। और जो वैलेंसी बैंड को छोड़कर चला जाए इलेक्ट्रॉन, कहीं भी चला जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बाउंड नहीं रहेगा, तो ऊपर चला गया यानी कंडक्शन कंडक्ट करने लगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो ऊपर वाले बैंड का नाम दिया कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब ये 6 7 जितने भी डायग्राम्स हैं, ये सारे के सारे डायग्राम मैं एक साथ बना रहा हूँ, देखना ध्यान से आप। सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करेंगे डायग्राम बनाने की, कि जब एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे हैं, नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर हैं, नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही बनाते हैं, कौन सा लेवल, ये बनाते हैं कौन सा लेवल है, ये 1s2 लेवल। इसमें तो कुछ चेंज होना नहीं, अगर बहुत ही ज्यादा पास आ जाएंगे तब जाके थोड़ा बहुत स्प्लिट होगा। और उसके बाद कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका 2s2 लेवल, और इसी के बगल में इसी के साथ कौन सा 2p6 लेवल, ठीक है। उसके बाद 3s लेवल को मैं थोड़ा दूर बढ़ा रहा हूँ ताकि हमें डायग्राम में आसानी रहे। अब 3s लेवल को हमने ड्रॉ करना है, ध्यान से देखिएगा, मैं उल्टा ग्राफ चल रहा हूँ। यहाँ जब आप खड़े हुए हैं तो एटम्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस। जब एटम्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप n एटम्स के लिए 3s लेवल की एक शार्प लाइन मिलेगी आपको, और 3p लेवल की भी एक शार्प लाइन मिलेगी आपको, जब एटम्स के बीच का डिस्टेंस नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस है। जब एटम्स के बीच बड़ी डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है, तो फिर आपको n एटम्स के लिए एक शार्प लाइन मिल रही है। कौन सी शार्प लाइन मिल रही है, एक शार्प लाइन मिल रही है आपको 3s लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग, और एक शार्प लाइन मिल रही है 3p2 के कॉरस्पॉन्डिंग। एटम्स के बीच में आपने डिस्टेंस घटानी शुरू कर दी, तो जब तक c डिस्टेंस है तब तक आप कोई विजिबल स्प्लिटिंग नहीं हुआ, आपको शार्प लाइन मिलती रही। n एटम्स के लिए एक लाइन मिल रही है, क्योंकि सारी लाइन्स एक दूसरे के ओवरलैप कर रही हैं। जैसे ही डिस्टेंस बिटवीन द एटम c से कम होने लगा, c से कम होने लगा, तो क्या हुआ, अब एक लाइन के बजाय आपको कई लाइन मिली। मैंने बहुत हल्की सी बनाई है, क्योंकि मैं गहरा बनाने प्रॉब्लम हो जाएगी। एक लाइन की बजाय कई लाइन मिलने लगी। जब आप और ज्यादा डिस्टेंस कम कर रहे हैं, और कम की डिस्टेंस एटम्स के बीच में, तो ये स्प्लिटिंग और ज्यादा हो गई, समझ रहे हो। एटम्स के बीच में जब डिस्टेंस काफी लार्ज थी, सी डिस्टेंस तक, तो आपको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिल रहे हैं। ये एन लाइंस हैं 1s लेवल की, ये n लाइंस हैं 3p2 लेवल की, 3p लेवल्स की n लाइंस हैं ये। लेकिन जब आप थोड़ा सा पास रहे, जहां डिस्टेंस c जितना हुआ, तो अब ये एनर्जी लेवल्स एक लाइन के बजाय आपको कई सारी लाइंस मिलने लगी। और कम करेंगे डिस्टेंस तो ये लाइंस का ग्रुप और बड़ा होने लगा,
और ज्यादा स्प्लिटिंग होने लगी। हम यह कहते हैं यहां से स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई, किस किसकी 3s और 3p लेवल की स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई, और ये स्प्लिटिंग बढ़ती जा रही जैसे जैसे आप एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं। तो यहां जब c से कम हुआ तो स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई, c से और कम हुआ स्प्लिटिंग और ज्यादा हो गई, c से और कम हुआ तो स्प्लिटिंग और ज्यादा हो गई। ये स्प्लिटिंग हो गई, और जब डिस्टेंस इसके बीच में हुई डी के बी के बराबर, डी सी बी, जब बी के बराबर डिस्टेंस हुई इनके बीच में, ये डिस्टेंस मैं बना रहा हूं यहां डी सी बी, तो स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा हुई, स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा हो गई कि अब ये पी लेवल की लाइंस और एस लेवल की लाइंस आपस में मिल गई सारी की सारी। दिखाई दे रहा ना आपको हल्का हल्का, यहां से ये एस लाइन की 3s लेवल का स्प्लिटिंग स्टार्ट हुआ, 3p लेवल का स्प्लिटिंग स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे आप एटम्स के बीच डिस्टेंस कम करते गए ये स्प्लिटिंग बढ़ता चला गया, ये स्प्लिटिंग बढ़ता चला गया, यानी कि एनर्जी लेवल्स की एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंज होने लगा। और जब तक बी डिस्टेंस पहुंचा तब तक क्या हुआ, तब तक कुछ पी लेवल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी घटते घटते एस लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो गई, एस लेवल के कुछ 3s लेवल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ते बढ़ते 3p लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो गई। तो अब ये सब दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, ये मिल गए। अब पता ही नहीं चल रहा, अब बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि इसमें से कौन सा लेवल, कौन सी लाइन 3s की है, कौन सी लाइन 3p की। हो सकता है ये 3p की लाइन हो, ये 3s की लाइन हो, सब आपस में मिल गए, क्योंकि हो सकता है किसी 3s वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ते बढ़ते 3p वाले इलेक्ट्रॉन की जितनी हो गई। क्लियर हुई इतनी बात ये। अब यहां आते आते क्या हुआ, बी पॉइंट पर आते आते ये आपस में मिल गए, और मिलने के बाद जब आपने और डिस्टेंस कम किया, डिस्टेंस और कम किया, तो फिर इनके बीच में स्प्लिटिंग फिर से वापस स्प्लिटिंग होने लगी। मैं थोड़ा सा किनारे इसके डार्क कर लूं अपने हिसाब से तो डायग्राम पूरा ठीक सा बन जाएगा। हाँ जी, यहां आते आते ये हो गया, उसके बाद डिस्टेंस आपने और कम किया तो अब ये एनर्जी लेवल्स फटने लगे, कुछ एनर्जी लेवल्स नीचे आने लगे, कुछ एनर्जी लेवल्स ऊपर जाने लगे। अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल्स में आने लगा, है ना। तो क्या हुआ कि यहां से ये वापस अलग अलग होने लगे। थोड़ा सा डायग्राम मैं एडवांस में बना के रख लूं अपना, ये बना, देखो जैसे बी पर आए, जैसे बी के बराबर डिस्टेंस हुआ, ये सारे के सारे आपस में मिल गए, डिस्टेंस और कम किया, डिस्टेंस और कम किया, तो फिर से ये एस लेवल और पी लेवल, एस लेवल पी लेवल तो हम कह नहीं सकते इसको, कुछ जो एम्प्टी वाले हैं वो ऊपर इकट्ठे होने लगे और जो भरे हुए हैं वो फिर नीचे इकट्ठे होने लगे। और जब इनके बीच में डिस्टेंस हो गया, एटम्स के बीच में डिस्टेंस हो गया ए, जो एक्चुअल में डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन अ स्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये ए, तब तक क्या हुआ, तब तक कुछ एनर्जी लेवल्स बिल्कुल खाली हो गए ऊपर वाले, और कुछ एनर्जी लेवल, कुछ नहीं सर्टेनली, कितने 4n एनर्जी लेवल्स बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो गए, और नीचे वाले 4n एनर्जी लेवल्स पूरी तरह से क्या हो गए, फिल्ड हो गए, इलेक्ट्रॉन से भर गए, और इनके बीच में गैप डेवलप हो गया, इनके बीच में गैप क्रिएट हो गया। अब मैं इनको देखो डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं, केवल क्या ड्रॉ कर ली मैंने, केवल बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली, देखो केवल ये बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं मैं, केवल ये बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन्स के कौन से हो गए, ये एनर्जी लेवल्स हो गए,
एनर्जी लेवल्स हो गए। अब जीरो केल्विन पर, जीरो केल्विन टेम्परेचर पर सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? इन वाले एनर्जी 4n एनर्जी लेवल्स पर आ गए नीचे वाले, और ऊपर के 4n एनर्जी लेवल्स पूरी तरह से खाली हो गए। किस टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं हम? जीरो केल्विन पर। तो जहां जिस एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए हैं, इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं, इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं वैलेंसी बैंड। और जहां अभी इलेक्ट्रॉन्स के आने की जगह तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लो रखने के लिए नीचे है, ऊपर वाले में नहीं जा रहे, इसे हम बोलते हैं क्या? इस पूरे को बोल देते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और कुछ थोड़ा सा एनर्जी इनके बीच की ऐसी है जहां कोई इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता, इसे बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोला गया? एनर्जी गैप। ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये जो भी स्ट्रक्चर बनाया है, ये बनाया हमने किसके लिए? सिलिकन 14 के लिए। किसके लिए बनाया है? सिलिकन 14 एट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन पर। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया जीरो केल्विन पर। लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने वैकेंसीज है? 8n वैकेंसीज है। इसमें से लोअर एनर्जी वाली 4n वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज है ये 4n वैकेंसीज है, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह फिल्ड है, भरी हुई है। और ऊपर वाली 4n वैकेंसीज इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं है इसमें, पूरी तरह से खाली है जीरो केल्विन पर। ठीक है, इनके बीच में एक गैप है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रुक सकता, या तो इलेक्ट्रॉन को यहां रहना है वैलेंसी बैंड में, या उसे कूद कर जाना है कहां? कंडक्शन बैंड में। इस छोटे से गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता, इसे एनर्जी गैप बोलते हैं। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है एनर्जी गैप का एक नाम और है, इसे हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। यहां रुकना मना है, फॉरबिडन का मतलब होता मना, यहां रुकना मना है फॉरबिडन गैप, जहां इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता, या तो उसको रहना पड़ेगा वैलेंसी बैंड में, या उसे पहुंचना पड़ेगा कंडक्शन बैंड में। इनके बीच का बैंड एक स्पेस है, एनर्जी गैप है, जिसे हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्लियर हुई इतनी बात? ये ये पूरा का पूरा कहलाता है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सिलिकॉन। जर्मेनियम का बनाएंगे तो जर्मेनियम का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, क्योंकि जर्मेनियम के भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं जितने सिलिकॉन के होते हैं। सिलिकॉन का 14 है, जर्मेनियम का इसमें 8 और जोड़ दो, कितने हो गए? ठीक है, तो उसके भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे उसके भी लास्ट शेल में। तो उसका भी ऐसा का ऐसे ही स्ट्रक्चर है, वैलेंसी बैंड भी है, कंडक्शन बैंड भी, एनर्जी गैप भी है। इनफैक्ट ये जो ग्राफ आपका बना हुआ है, ये डायग्राम, ये सिर्फ सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए नहीं है, ये सबका ग्राफ है। अगर आप एल्युमिनियम का ग्राफ बनाएंगे तो भी, सोडियम का ग्राफ बनाएंगे तो भी, आयरन का ग्राफ बनाएंगे तो भी, फास्फोरस का ग्राफ बनाएंगे तो भी, लगभग लगभग ऐसी सी शेप आएगी सबके लिए, लगभग लगभग सबके लिए ऐसी शेप आएगी। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कहाँ? यहाँ इस जगह पर, इस जगह डिफरेंस आएगा। अब सिलिकॉन है, देखो सिलिकॉन आपका पीरियोडिक टेबल में बीचों बीच है, बिल्कुल 14 ग्रुप है ना, बीच में आता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के। अब सिलिकॉन के इस तरफ, ये पीरियोडिक टेबल में आपका यहां सिलिकॉन है, इस तरफ आपके क्या है? लार्जर एटम्स हैं, और इसके राइट साइड में कौन से हैं? ये स्मॉलर एटम्स हैं। ये कौन से हैं? ये मेटल्स के एटम है, ये किसके हैं? ये नॉन मेटल के एटम है। सिलिकॉन बीच में आ रहा है, सिलिकॉन जर्मेनियम गैलियम 14 ग्रुप, समझ रहे बात? अब ध्यान से समझना। अगर आप ये वाला कोई मेटल उठा लेते हो, सपोज आपने सोडियम उठा लिया, तो सोडियम का एटम तो काफी बड़ा है किससे? सिलिकॉन से, सिलिकॉन के साथ काफी बड़ा है। तो अगर आप सिलिकॉन इस यहां इस ए डिस्टेंस तक जाकर के सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पहुंचकर कैसे हो गया? ए पर पहुंचकर ये बिल्कुल क्या बन गया? एक सॉलिड
स्टेबल क्रिस्टल बन गया, सॉलिड स्टेबल क्रिस्टल बन गया ए डिस्टेंस पर पहुंचते पहुंचते, जब एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, जीरो से लेकर के ए तक का। अगर यही ग्राफ आप बनाने लगे सोडियम के लिए, तो सोडियम का एटम तो बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हो, तो आप बता सकते हो कि वो इस ए डिस्टेंस से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा या इसके बाद में सॉलिडिफाई होगा। ए क्या चीज है, ये जो डिस्टेंस ए है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ सिलिकन, ये सिलिकन है का क्रिस्टल है, सिलिकन एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस। इस डिस्टेंस पर आकर के सिलिकन के एटम जम गए और इन्होंने क्या एक स्टेबल क्रिस्टल बना लिया। तो अगर यही प्रोसेस आप सोडियम के साथ करें तो आप बताइए कि सोडियम जो है जमने पर, जमने से जमने कहाँ जमेगा, इसी डिस्टेंस पर जाके जमेगा जब सोडियम के एटम्स के बीच की वही डिस्टेंस होगी जो डिस्टेंस सिलिकन की, या उससे कम डिस्टेंस पर जमेगा, ज्यादा डिस्टेंस पर जमेगा, किधर जमेगा, किधर पहले आ जाएगा ना, क्योंकि इसका तो साइज बहुत बड़ा है। अगर हम सोडियम की बात देखें तो सोडियम के तो एटम बहुत बड़े होते हैं, ये उससे भी पहले ही क्रिस्टल हो जाएंगे। मतलब अगर सोडियम का क्रिस्टल का आप लाइन बनाओगे सॉलिड स्टेबल क्रिस्टल की लाइन, तो वो कहाँ बन जाएगी, वो यहाँ बनेगी इस जगह, समझ रहे हो है? अच्छा उसके बाद इधर आ जाओ, अगर आपको सल्फर या फास्फोरस की बनानी हो तो सल्फर और फास्फोरस की बनाने के बाद क्या होगा, देखो वो तो उसके तो एटम्स और भी सिलिकन से भी छोटे हो गए, तो यानी सिलिकन से भी कम डिस्टेंस होगी उसके क्रिस्टल्स में एटम्स के बीच में, तो उस वो कहाँ जाकर के सॉलिडिफाई होंगे, वो तो बिल्कुल यहाँ जाकर के सॉलिडिफाई होंगे। ग्राफ के किस रीजन में आएंगे, इस वाले रीजन में निकल कर आएंगे, समझ रहे हो बात को है? अब इससे क्या डिफरेंस पड़ेगा, देखना क्या डिफरेंस पड़ेगा। जनरल तो सबकी ग्राफ की शेप यही की यही है, चाहे आप किसी भी मेटल के लिए नॉन मेटल के लिए बना लें, हाँ बस इतना डिफरेंस पड़ेगा कि किसी के एस ऑर्बिटल में दो हैं तो पी ऑर्बिटल में 5-6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 4-5 भी होंगे, किसी में कोई डी ऑर्बिटल आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन आउटर मोस्ट शेल का बिहेवियर लगभग लगभग ऐसा सही रहता है कि आइसोलेटेड एटम में आपको डिस्क्रीट लाइन मिल रही है, और जब इंटरेक्शन आ गया तो स्प्लिट होना शुरू हो गया, फिर मिल गए आपस में, फिर वापस अलग अलग हो गए, ऊपर के बैंड अलग खाली रह गए, नीचे के भर गए पूरी की पूरी, चाहे वो मेटल हो चाहे कोई भी हो, सबका बिहेवियर लगभग लगभग ये जैसा। तो अब इस ग्राफ के बेस पर, इस ग्राफ के बेस पर हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन गुड कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है, कौन बिल्कुल सेमी कंडक्टर है। ध्यान से समझना कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके वैलेंसी बैंड में, वो इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के साथ जुड़े हुए हैं, एटम के साथ, एटम के न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहे हैं वो। ये आपका, मैं थोड़ा सा गलत डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा बेवकूफ बना रहा हूं, बन जाना। ये तो है क्या चीज, आपका वैलेंसी शेल, कौन सा वैलेंसी शेल, करेक्ट। कब है ये आइसोलेटेड एटम के लिए है, मैं थोड़ा सा आपको गलत चीज बता रहा हूं लेकिन फिलहाल समझ लेना। अब जब ये सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ गए तो सारे एटम्स में से, अगर सारे एटम्स का ये ग्राफ, ये डायग्राम मैं ओवरलैप कर दूं, बहुत सारे एटम्स का ग्राफ ओवर, ये वाला डायग्राम जो मैंने ये बना रखा है, ऐसे डायग्राम में बहुत सारे एटम्स का ओवरलैप कर दूं, तो फिर एक वैलेंसी शेल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, एक वैलेंसी बैंड मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ना मिलकर के आपको एक बैंड मिल जाएगा, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स आपको मिल जाएंगे, है ना। हालांकि मैं गलत बता रहा हूं, अगर आपने आगे चल करके फिजिक्स पढ़ी तो तब आपको समझ में आएगा, बेवकूफ बना दिया था, ठीक है। अच्छा ये कोई ना कोई तो हो गई वैलेंसी शेल, चाहे वो डी ऑर्बिटल का हो या पी ऑर्बिटल का हो या थर्ड शेल का हो या फोर्थ शेल का हो या फिफ्थ शेल का हो, कोई ना कोई तो वैलेंसी शेल हो गई। और जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे एटम, तो वो भी क्या बन जाएगा, लास्ट में अल्टीमेटली वैलेंसी बैंड बन जाएगा। तो ये वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड, ये हर क्रिस्टल में है, चाहे वो फॉस्फोरस का टुकड़ा हो आपके हाथ में या मिट्टी का टुकड़ा हो या कुछ भी हो। अच्छा अभी तो हमने बात करी थी किसके लिए, ये एटम के लिए बात करी थी, एटम के लिए आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल हो, बताइए, अगर आपके पास है कोई मॉलिक्यूल हो, तो फिर आप
कौन सी क्या क्या यूज करते हैं, आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करते हैं, उसमें भी आपके वही एसपीडीएफ पूरे के पूरे चलते हैं मॉलिक्यूल्स में भी, याद है ना, इतनी तो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो याद होगा ना कि अगर एटम बना रहे हो तो एटमिक ऑर्बिटल थ्योरी से आप इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप करेंगे, और अगर मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाओगे, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करते चले जाओगे, तो भी कोई ना कोई तो लास्ट में होगा शेल, वो वैलेंसी शेल होगा, वैलेंसी शेल बन जाएगा वैलेंसी बैंड। तो चाहे किसी मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर आप देख लो, चाहे किसी एटम के लिए बना लो, एक जनरल ग्राफ यही निकल कर आएगा। थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा क्या डिफरेंस होगा, वो जो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है उस डिफरेंस से ही डिसाइड होगा कि कौन गुड कंडक्टर है, कौन नॉन कंडक्टर है, और कौन फिर है सेमी कंडक्टर, कौन सेमी कंडक्टर है। समझ रहे बात इतने? तो एक पीरियड हो गया है तो बड़ी जल्दी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे अब कल डिस्कस करेंगे इस ग्राफ के बेस पर कि कौन होगा गुड कंडक्टर, कौन होगा नॉन कंडक्टर, और कौन रहेगा सेमी कंडक्टर। ठीक है।